चना चाट बनाने के लिए मैंने एक बाउल में छोले ले लिए हैं। छोले को मैंने भिगो के रखा और फिर विसिल लगा ली है। जो पानी इसका निकला उसको मैंने अलग एक बाउल में ले लिया है। मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के इसे पकाया था। और मैंने एक बाउल ले लिया है बारीक कटा हुआ प्याज और दो टमाटर की प्यूरी ली है। ये मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे, अब इन्हें हम तैयार करेंगे। सबसे पहले पैन में मैंने एक टेबलस्पून तेल लिया है, उसमें आधा प्याज जितना बारीक कटा हुआ प्याज हम उसमें डाल देते हैं। हल्का सा उसे सॉटे करते हैं। जैसे ही हमारा प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा, उसका गोल्डन रंग आने लगेगा, हम इसमें डाल देंगे थोड़े से मसाले। तो इस तरह से हमारा प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है। तो एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल के इसको अच्छे से सॉटे कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारी प्यूरी। प्यूरी डाल के आप अच्छे से इसे मिक्स करें। प्यूरी को हमें बहुत अच्छे से पकाना है जब तक ये अच्छे से तेल छोड़ने ना लग जाए और हमारी जो कढ़ाई है उसे छोड़ने ना लग जाए। इसमें हम अब ऐड कर देते हैं आधा चम्मच जीरा पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब हमें इसे ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ये जो टमाटर है बहुत अच्छे से पक जाए और एकदम हमारी कढ़ाई को आराम से छोड़ने लगे, इसका जितना भी मॉइस्चर कंटेंट है वो चला जाए। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया, अब हम इसे ढक के रख देते हैं। 5 मिनट बाद आप देखेंगे तो देखिए हमारा टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुका है, बिल्कुल पक गया है बढ़िया वाला। तो अब हम इसमें मिला रहे हैं हमारा जो छोले का पानी जो एक्सेस बचा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी जो चाट है उसका बेस ग्रेवी तैयार हो गई है। तो एक बार ये अच्छे से उबलने लग जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो आप इसे गैस को ऑफ कर दें। तो इस तरह से हमारी ये जो चाट की जो ग्रेवी बनी है बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग तैयार हो चुकी है। हमारी चाट का आधा टेस्ट तो इसी में है। अब हम बाउल में चाट के लिए तैयार करने के लिए हम इसमें छोले डाल देते हैं और इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे हमारी ग्रेवी को। तो मैं 2 से 3 टेबलस्पून ग्रेवी अभी इसमें डाल देती हूँ। और इस तरह से इसे डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो मैंने एक बारीक कटा हुआ प्याज पूरा लिया है, उसे डाल दिया है। और मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मिर्चें थोड़ी कम तीखी है उस हिसाब से मैं 1 से 2 मिर्चें ली है। अब इसमें मैंने डाली है 1 चम्मच इमली की मीठी चटनी, 1 चम्मच धनिया पुदीने की चटनी, और उसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर। आपको अगर चाहे तीखा पसंद हो तभी डालें, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें नमक डाला है स्वाद के अनुसार, आधा चम्मच मैंने इसमें जीरा पाउडर डाला है, अब मैंने इसमें आधा चम्मच डाला है चाट मसाला पाउडर। अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा चाट जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। तो मैं सर्विंग दोनों में इसे निकाल देती हूँ। अब इसे हम जब गार्निश करेंगे तब थोड़ी सी चटनी वगैरह और दोबारा यूज़ करेंगे। और इसे अब हम सबसे पहले गार्निश करेंगे थोड़े से प्याज के साथ। तो मैंने थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज इसमें डाला है, थोड़ी सी लाल मिर्च, जैसे मैंने आपको कहा अगर आपको बहुत तीखा पसंद हो तो ही डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और थोड़ा सा चाट मसाला डाल रहे हैं। चाट मसाला डालने के बाद इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी हरी चटनी और इमली की चटनी। तो वो भी हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ धनिया, धनिया हमने डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रेवी, जो हमने ग्रेवी बना के रखी है बेस ग्रेवी, वो हम थोड़ी सी एक एक स्पून इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं बारीक सेव, और सेव को डालने के बाद हम थोड़ी सी इसमें लेमन जूस भी डाल देते हैं थोड़ी सी बढ़िया स्वाद के लिए। तो इस तरह से हमारी चना चाट तैयार है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेम्पटिंग है, एक बार आप ज़रूर बनाएं। बहुत कम ही इंग्रेडिएंट में हम इसे तैयार कर लेते हैं। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं, अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर करें।